होली आने वाली है भाई, ठंडाई बनाना है कि नहीं? तो आज मैं शेयर करूंगी ठंडाई की रेसिपी, स्वाद से भरपूर, सेहत से भरपूर और बनाना बहुत ही आसान, मिनटों में बना सकेंगे और आप इसको पूरे एक महीने तक स्टोर भी कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तनुज पांचफोरन। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। ठंडाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, ये काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स, काफ़ी सारे हैं लेकिन बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो सबके घर में होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 खजूर, जिसके ऑलरेडी मैंने बीज निकाल दिए थे, इसको पानी में भिगो दिया था रात भर। साथ में लिया है यहाँ पर मैंने पम्पकिन सीड्स 1 बड़ा चम्मच, इसको भी रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था। आप इसके जगह में जो खरबूजे का बीज आता है वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 15 से 20 काजू पानी में भिगोया हुआ, साथ साथ किशमिश 1 से 1.5 बड़े चम्मच, इसको भी रात भर पानी में भिगो दिया था। साथ में 10 से 12 बादाम है, ये सारी चीज़ें मैंने रात भर पानी में भिगो दिए थे। 2 बड़े चम्मच पिस्ता, साथ साथ 4 से 5 हरी इलायची ले लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने थोड़े से केसर के धागे को भी रात भर पानी में भिगो दिया था। साथ में यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच सौंफ, इसको भी पानी में भिगो दिया था। साथ साथ यहाँ पे मैंने लिया है काली मिर्च, तो मैंने यहाँ पे पाउडर वाला इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने लगभग 1 छोटा चम्मच लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है सूखे वाले गुलाब के पंखुड़ियाँ, आप चाहे तो गुलकंद जो आता है ना वो भी ले सकते हैं, मैंने ये 1.5 बड़े चम्मच लिए। साथ में 4 बड़े चम्मच पॉपी सीड्स, जिसको कि हम पोस्तो कहते हैं, इसको भी मैंने पानी में भिगो दिया था रात भर के लिए। रात भर पानी में भिगो देंगे तो ये सारे चीज़ें अपना फ्लेवर पानी में बहुत ही अच्छे से रिलीज कर देते हैं। अब हम सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल देंगे, तो यहाँ पे हम पानी के साथ ही डालेंगे। गुलाब के पंखुड़ियों को मैंने पानी में भिगोया नहीं था। यहाँ पे हम काली मिर्च भी डाल देंगे, आप चाहे तो साबुत काली मिर्च भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो इसको भी मैं पानी के साथ ही डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को हम पानी के साथ ही इसमें डाल देंगे और खजूर का बीज निकालना बिल्कुल ना भूले, खजूर के बीज को निकाल ले। ये बादाम के छिलकों को हटा लेते हैं, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये हरी इलायची भी डाल देंगे, काजू भी डाल देंगे, सभी चीज़ों को एक एक करके हम इसमें डाल देंगे पानी के साथ ही। मिनिमम आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए ज़रूर भिगोए अगर कम टाइम है तो, और मैक्सिमम आप इसको बेस्ट रिजल्ट के लिए रात भर पानी में भिगो दिए। देखिए मैंने ये खजूर के बीज पहले ही निकाल दिए थे, तो इसको भी हम डाल देते हैं पानी के साथ ही। रात भर पानी में भिगोएंगे ना तो इसका जो सारा फ्लेवर है ये बहुत ही अच्छे से रिलीज हो जाता है। तो ये देखिए इसको मैंने डाल दिया है। ये जो केसर का पानी है इसमें हम नहीं डालेंगे, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी सारा पानी के साथ ही हमने इसमें ऐड किया है। देखिए बिल्कुल पेस्ट, महीन पेस्ट मैंने बनाया है, दरदरा नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो इसको छान सकते हैं लेकिन मैं नहीं छान रही हूँ। अब दूसरा पैन लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ 230 ग्राम शक्कर और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी। 250 ml का कप है जिसमें 1 कप पानी डाल दिया है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और साथ साथ हम इसमें केसर वाला पानी भी डाल देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को मैंने इस समय मीडियम पर रखा है। बस शक्कर मेल्ट हो जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए पानी में, बस उतना ही हम इसको पकाएंगे। तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ हमारा ये पेस्ट, जो सारे ड्राई फ्रूट्स और सब मिला के हमने बनाया था उसको डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको खंगाल ले, ये पेस्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करे। तो ये देखिए इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और लगभग 15 से 17 मिनट हम इसको लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। जैसे जैसे आप इसको पकाएंगे धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। इसको चलाते जाना है और लगभग 15 से 17 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्टली टेक्सचर आ जाएगा। आप देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर है, इसी तरीके से हमें चाहिए। अभी मैं आपको बताती हूँ उसको चेक कैसे करना है कि ये परफेक्टली पका है या नहीं। तो गैस की फ्लेम को मैंने पहले बंद कर दिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए किसी एक चम्मच या कोई भी आप चीज़ ले ले, इसको जब आप इसमें डिप करेंगे ना तो पीछे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कोटिंग हो रही है, यानी कि हमारा ये मिक्सर बिल्कुल तैयार है, हमारा ठंडाई सिरप बिल्कुल तैयार है। इसको पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। स्टोर करने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर ये कांच का बॉटल। ठंडा जब हो जाए सिरप हमारा ये कंसनट्रेट, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। तो अगर आपको दिक्कत हो तो आप जो फनल आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अंदर डालने के लिए। तो मैं इसको ऐसे ही डाल दे रही हूं और अच्छी तरीके से भर लेने के बाद इसको हम बंद करके फ्रिज में रख के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और इसको जब भी जरूरत हो, जब भी आपको ठंडा ठंडा कुछ पीने का मन करे, आप इसको निकालें और आप इससे ठंडाई बनाएं। ठंडाई कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। यहां पे मैंने लिया है पतीला, इसमें हम डाल देंगे लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच ठंडाई सिरप जो हमने तैयार किया है। इसमें हम डालेंगे 2 ग्लास ठंडा ठंडा वाला दूध। इसको अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे, मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इस प्रोसेस को मिक्सी में भी कर सकते हैं और दूध
और ठंडाई की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यानी कि जितनी आपको बनानी है उस हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए तैयार है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर से गिराते हुए जैसे बिल्कुल ठंडाई तैयार की जाती है ना वैसे हम थोड़ा सा इसको फेंट लेंगे, इससे इसमें बढ़िया से झाग बन जाएंगे और हमारा ठंडाई बिल्कुल परफेक्टली मिक्स होगा। और जो शक्कर मैंने इसमें डाला है उसकी भी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं, यानी कि मीठापन टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये तैयार है और यहाँ पे हम इसको सर्व कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसमें थोड़े से आइस क्यूब भी डाल सकते हैं ठंडा ठंडा, गर्मी का मौसम आ रहा है, होली आ रही है, तो आप इस तरीके से ठंडाई सिरप बना के रख सकते हैं फ्रिज में, जब भी मन करे आप इसको पी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, दिमाग तेज करता है, बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद होता है, बच्चों को भी आप इसे दे सकते हैं। इसको मैंने गार्निश कर लिया है गुलाब के पंखुड़ी और थोड़े से पिस्ते के साथ। तो आप इसको होली पे बनाएं चाहे नॉर्मल, आप इसको गर्मी के मौसम के लिए बना के रख सकते हैं फ्रिज में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।